नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको बुध ग्रह कैसे शुद्ध हो जाता है और ये कितना प्रतीक शब्द है, कितना शुद्ध शब्द है। शुद्ध का नाम लेते ही इंसान शुद्धता की तरफ भाग जाता है। कहते ना कोई चीज अच्छी हो जाए, कोई चीज मन की बात हो जाए, वो शुद्ध की तरफ प्रतीक माना जाता है। आप कोई भी काम करते हैं, अगर आपके सारे काम बनते चले जाए, आपके काम सारे फेवर में हो जाए, इसी को शुद्ध बोलते हैं। और शुद्ध हमेशा एक सच्चे मार्ग की तरफ बढ़ता है, सच्चाई की तरफ चलता है। शुद्धता का प्रतीक 100% होता है। और ये ग्रह अगर आपके हाथ में शुद्ध है तो सब कुछ आपको एक शुद्धता की तरफ लेके जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा। कहते ना छोटी फिंगर कितनी चालाक फिंगर होती है। हमारे सामुद्रिक शास्त्र में इस फिंगर को सबसे चालाक फिंगर बोलते हैं और ये ग्रह सबसे बोलने की कला के बारे में बताता है। हम इसी छोटी फिंगर की बातें करते हैं तो उसके पहले हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी जीवन रेखा। जीवन रेखा जैसे कि हमारे जीने के अंदाज के बारे में बताती है, इसी प्रकार से हमारी मस्तिष्क रेखा हम अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हम किसी के साथ कितना अटैचमेंट है उसके बारे में बताती है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए इस छोटी फिंगर का राज देखते हैं, कहती कुछ क्या है। हमारी हस्तरेखा में एक ही जो फिंगर है, बुद्ध की फिंगर, जिसको हम कनिष्ठा की फिंगर कहते हैं, हाथ में कितनी भी बड़ी हो जाए आपके लोकप्रियता को बढ़ाती है, आपके बोलने की कला को सिखा देगी। बड़ी का होने का मतलब हमारे जो सन का ये पहला पोर है उससे कुछ हटके उससे कुछ बड़ी हो जाए। और बड़ी होने का मतलब आपको कुशलता देती है। कुशलता ऐसी देती है कि आप बोलने में मास्टरमाइंड हो जाएंगे। और ये जो बुध की फिंगर है, अगर इसी के ऊपर शुद्धता की प्रतीक माने तो कुछ शुभ चिन्ह हो जाए, कुछ अच्छे लक्षण हो जाए, आपको हमेशा अग्रसर कर देती है। कहते हैं ना बुध ग्रह काफी चालाक ग्रह माना जाता है। अगर जिसका बुध अच्छा है तो वो बिजनेस में बहुत अच्छा मास्टरी कर लेता है। व्यापार कैसा भी हो, किसी भी तरह का व्यापार हो, उसके अंदर कार्य कुशलता हो जाती है काम करने की। और ये जो बुध का पर्वत समान रूप से उठा हो, ग्रहों की पावर तभी बढ़ती है जब उसके पावर को हम देखते हैं, उसके पर्वतों को देखते हैं। ज्योतिष में तो हम उनके पर्वतों के आधार पे राशियों के हम साइन को देखते हैं और उनके अंश को देखते हैं कि कितने डिग्री का अंश है। उसी प्रकार से हमारी हस्तरेखा में अगर पर्वत आपका समान रूप से उठा है तो आप बोलने में एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट शब्द यहां पे है, चलाकी का शब्द यहां पर है, राजनीति का शब्द यहां पर है। हर क्षेत्र में आपको कला सिखा देता है सिर्फ ये बुध का पर्वत, बुध की फिंगर और बुध के बने हुए पर्वत के ऊपर शुभ चिन्ह आपको जीवन में सारे सुख सुविधाएं प्रदान कर देता है। बिजनेस से लेके राजनीतिक क्षेत्र की बोलने की कला भी सिखा देता है। अब यहां पर तीन चार लाइनें
ये तीन चार लाइनें आपको जीवन में सफलताओं का राज खोल देता है। कहते ना बुद्ध की क्वालिटियां बढ़ा देता है। ऐसे लोग बोलने में मास्टरी करते हैं, किसी भी तरह का बातें एक्सप्लेन करना हो, किसी तरह का बिजनेस इनको करना हो, ये इनको उत्तेजित करती है, इनके दिमाग पे नए नए संचार बेस पैदा करती है। और ऐसे लोग अपने जीवन काल में कई भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। अगर ऐसे आपके हाथ में है तो देखें तो अपने निश्चित रूप से ऐसा होता होगा। और ऐसे लोग अग्रसर होते हैं, हर चीज को करने के लिए अग्रसर होते हैं। अग्रसर का मतलब मेरा जीवन में तरक्की की तरफ। ऐसे लोग व्यवसाय करते हैं तो मास्टरमाइंड हो जाते हैं और सब कुछ हासिल कर लेते हैं। जिसको बोलने की ही कला क्यों आती है, वो किसी काम को हल करने में सक्षम हो जाता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि बुध ग्रह बोलने के बारे में आपको बताती है, बिजनेस के बारे में बताती है, आपको राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी खासी दमखम रखने वाली ग्रह मानी जाती है, क्योंकि बोलने वाला एक्सपर्ट होता है। हर चीज को कोई किसी भी तरह की बातें हो कहीं से वो निकाल के कहीं पे फिट कर देता है। वो वैसा ही हाथ में हमारे, अगर ये पर्वत की फिंगर है, ये पर्वत के ऊपर बने हुए शुभ चिन्ह है, तो उसके गुणों को बढ़ा देता है। और इसी के साथ यहां पर एक दो शुभ साइन है जो कि आपको और कारगर बना देते हैं और आपको प्रसिद्धि दिला देते हैं। अब इसी के ऊपर कहते हैं ना, एक फिश की साइन बन जाए, एक फिश की साइन बन जाए। फिश की साइन शुभ साइन मानी जाती है। अगर ये साइन आपके हाथ में बनती है, ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में अध्ययन करते हैं और नई नई तरह की चीजों का अध्ययन करते हैं। कहते हैं ना कि कुशलता के कारगर बना देते हैं। और ऐसे लोगों का अगर बुध रेखा का मतलब हमारी बोली बाड़ी से होता है, हमारे बिजनेस से होता है, व्यवसाय से होता है, बुध की सारी एक्टिविटी होती है। ऐसे लोगों के अगर हाथ में यहां पर बुध पर्वत के नीचे एक शुभ साइन फिश साइन बनती है, तो ऐसे लोगों की पत्नियां काफी सपोर्ट करती हैं उनके व्यवसाय में। और इसी के साथ अगर एक बुध की रेखा हो, बुध की रेखा तभी आपको मास्टरमाइंड बनाएगी, आप अधिक धन कमाएंगे। कैसे कमाएंगे? एक बुध की बड़ी रेखा हो, ये बड़ी रेखा हो। और ये फेट लाइन, बड़ी रेखा का मतलब ये रेखा बिल्कुल अस्पष्ट होनी चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं होना चाहिए। अगर ये अस्पष्ट रेखा है तो अपने जीवन काल में सारे भौतिक सुख प्राप्त करेंगे, मकान का सुख, गाड़ी का सुख, हर वो सुखों का आनंद प्राप्त करेंगे। और अगर यहां पर एक स्टार बन जाए, स्टार, ऐसे लोग वैज्ञानिक के क्षेत्र में तरक्की करते हैं, नई नई चीजों का रिसर्च करते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।